Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim, Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor, Muhammad Faizan from EduSmart, the best forces academy. And today, inshallah, we are going to discuss non-verbal intelligence test. Non-verbal intelligence test ke aaj hum short tricks jo hain, ye inshallah hum detail se study karenge, theek hai? ओके ये बेसिकली मैंने आई थिंक यूट्यूब पे ही बोला था कि अगर आप चाहते हैं डिफरेंट बुक से आप लोग पढ़ते हो और चाहते हैं कि ये कोई बुक है इसके एमसीक्यूज मैं आपको हल करके दूं तो आप मुझे पीडीएफ स्कैन करके भेज दें किसी भी बुक के जो भी आप चाहते हैं तो वो एक लड़की ने जो है ना वो स्कैन करके भेजे थे अब हम इसको डिस्कस करते हैं ठीक है ओके तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया देन यू मेक एंड ज्वाइन आप AFNS, AMC, LCC, PMA लॉन्ग कोर्स DSSC, GDP, CAE, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल कैडेट कोर्स और लेडी कैडेट कोर्स और DSSC में अगर अप्लाई करना चाहते हैं और उसके टेस्ट की मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं देन यू मेक एंड कॉन्टेक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर 03-06689-2208 और इस टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं ओके जी तो स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन के साथ ये बेसिकली क्वेश्चन है 9 ऑप्शंस का मैं इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूं जरा ताकि आपको पूरा क्वेश्चन नजर आए ओके हमारे पास बेटे देखो बेसिकली क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड हमें क्या कर दिया एक हमारे पास ये शेप है जो डॉटेड है शेडेड एरिया इसको हम कह देते हैं एक हमारे पास ब्लैक एरिया है एक हमारे पास व्हाइट एरिया है जो शेडेड एरिया है इधर वो पूरा एक स्क्वायर है जो ब्लैक एरिया है वो रेक्टेंगल टाइप बन गया मींस इसमें से इतना इतना एरिया उन्होंने कट कर दिया जो नेक्स्ट एरिया उसमें से भी उन्होंने हाफ कट करके ये बना दिया अब इस टाइप को अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी होंगी तो बोलते हैं चीजें पूरी करें 8 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं 9th वाला ऑप्शन आपने चूज करना होता है चीजें पूरी करनी होती है ठीक है क्या करनी होती है चीजें पूरी करनी होती है मैं आपको अभी दिखाता हूं ओके जी तो आपने सिंपल क्या करना है पहले तो आपने कलर मैच करना है ये शेडेड एरिया ब्लैक एरिया व्हाइट एरिया शेडेड एरिया ब्लैक एरिया ये आ गया हमारे पास अब नीचे आ जाओ ब्लैक एरिया व्हाइट एरिया इधर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे इधर आएगा शेडेड एरिया अब आ जाओ दूसरी रिक्वायरमेंट्स पे साइज पे ये छोटा स्मॉल साइज मीडियम साइज लार्ज साइज अब ये है मीडियम ये है स्मॉल और ये है लार्ज ये हो गया स्मॉल ये हो गया मीडियम अब इधर आना चाहिए लार्ज सो शेडेड एरिया विद लार्ज साइज ये वाले साइज का शेडेड एरिया चाहिए मिल गया अब आ जाओ सर्कल पे सर्कल ऊपर है राइट में नीचे नीचे ऊपर राइट में राइट में हमें मिल गया नीचे में मिल गया अब हमें चाहिए ऊपर सो द राइट ऑप्शन विल बी शेडेड एरिया जिसके ऊपर सर्कल हो शेडेड एरिया जिसके ऊपर सर्कल हो दिस वन क्योंकि हमें लार्ज एरिया चाहिए था दैट इज वाई इसका आंसर लार्ज एरिया वाला आएगा नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फिर से सिंपल सा क्वेश्चन है एक ट्राइंगल के अंदर ऊपर एक सर्कल है व्हाइट कलर सॉरी ब्लैक कलर का अंदर से व्हाइट या हॉलो है ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल है उन्होंने वो सर्कल अंदर रख दिया ब्लैक कलर बना के अब हम भी यही सेम एक्शन करेंगे ये इस टू एस का क्वेश्चन है एनालॉजी रिलेशनशिप का ये क्वेश्चन है तो ये कैसे हल होगा हम भी क्या करेंगे जैसे उन्होंने सर्कल ब्लैक करके ट्राइंगल के अंदर रख दिया हम भी सेम यही चीज करेंगे हम ये जो ट्राइंगल है ना इसको ब्लैक करके इसके अंदर रख देंगे सो सर्कल विद ब्लैक ट्रायंगल इसका जवाब हो जाएगा सॉरी पुट्ठी ट्रायंगल आने से ये विद ब्लैक ट्रायंगल नीचे देख लें जवाब किसमें डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन ठीक है ये देख लें आप नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन फिर से एनालॉजी पे है ये एरो है एक जो कि लेफ्ट साइड को जा रहा है और एक एरो है नीचे जो कि राइट साइड को जा रहा है एक एरो जो है वो लेफ्ट साइड को जा रहा है एक एरो जो है वो राइट साइड को जा रहा है अब देखो इन्होंने इधर क्या किया जो एरो जा रहा था लेफ्ट साइड पे उन्होंने क्या कर दिया राइट साइड की तरफ उसे मोड़ दिया उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी उसका
रुख चेंज कर दिया। और इसी तरह नीचे वाला भी चेक करो, ये जा रहा था इधर को, उन्होंने चेंज करके बना दिया इधर को, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर दी, अपोजिट डायरेक्शन में चला दिया। हम भी यही काम करेंगे, ये जो नीचे को आ रहा है हम इसको ऊपर को कर लेंगे, और जो ऊपर को जा रहा है इसको हम नीचे को कर लेंगे। देख लो किधर है जवाब, पहला ऊपर दूसरा नीचे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे, लेफ्ट राइट, बीटा विल बी द राइट ऑप्शन। पहले वाला ऊपर को एरो जा रहा है, दूसरे वाला नीचे को एरो जा रहा है। सो ये सिंपल ट्रिक्स होते हैं, आप जो ट्रिक्स होते हैं इनको अप्लाई करना सीखें। जब आपको ये अप्लाई करना आ जाएंगी ना ट्रिक्स, देन आप देखेंगे नॉन वर्बल आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एनालॉजी का ही है। अब ये क्वेश्चन में देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिंपल एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक ब्लैक कलर का स्क्वायर है, यही है ना, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर एक ब्लैक कलर का स्क्वायर है, यस ओके। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने सिंपली ये जो ब्लैक कलर का स्क्वायर था इसको व्हाइट में चेंज कर दिया जो अंदर था। अब हमें उन्होंने सर्कल के अंदर एक ब्लैक सर्कल दिया, हम क्या करेंगे, पीछे वाली ट्रिक एनालॉजी पे याद रखिए, जो पहली दो शेप्स पे ट्रिक लगती है वही अगली शेप और आंसर पे ट्रिक लगेगी। अब इन्होंने ब्लैक को व्हाइट किया, हम भी इस ब्लैक को व्हाइट कर देंगे, सर्कल के अंदर व्हाइट सर्कल, अल्फा राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से एरोज वाला है, एरोज वाला क्वेश्चन पाकिस्तान एयरफोर्स में बड़ा पूछा जाता है। अब देखो क्या हुआ, पहला एरो राइट जा रहा था उन्होंने लेफ्ट कर दिया, दूसरा एरो राइट जा रहा था उन्होंने राइट ही रहने दिया, इट मींस पहला चेंज हुआ, हम पहले पे गुड लगा देते हैं, टिक लगा देते हैं। तीसरा एरो चेक करो, तीसरा जा रहा था लेफ्ट की जानिब, उन्होंने लेफ्ट ही रहने दिया, इट मींस के तीसरे को भी नहीं चेंज किया उन्होंने, दूसरे की डायरेक्शन भी चेंज नहीं की। अब आ जाओ तीसरे पे, फोर्थ पे, फोर्थ राइट की जानिब जा रहा था उन्होंने लेफ्ट की जानिब कर दिया, इट मींस के पहला चेंज हुआ और दूसरे एरो की डायरेक्शन चेंज हुई। हम भी अब क्या करेंगे, इधर पहले की और दूसरे की फोर्थ वाले की डायरेक्शन चेंज करेंगे, जो बीच वाला दूसरा और तीसरा होगा उनकी डायरेक्शन हम सेम रहने देंगे जो पहले थी। पहले वाले की डायरेक्शन चेंज होगी वो चला जाएगा इधर को, दूसरे दोनों इधर रहेंगे ऐसे करके ऐसे, तीसरे की डायरेक्शन भी हम चेंज कर देंगे। अब देख लो पहला लेफ्ट की तरफ जाना चाहिए, फिर दो राइट की जानिब, और चौथा जो है वो भी लेफ्ट की जानिब, वो किधर है, डेल्टा, डेल्टा विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल इसी मेथड के जरिए होंगे। एनालॉजी का मतलब ही होता है रिलेशनशिप, ताल्लुक, आपने ताल्लुक बताना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बी एनालॉजी पे ही है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपने क्या देखा, ये चार शेप्स आपको दी गई हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, प्लस का निशान, चार शेप्स हो गई। उन्होंने क्या किया, ये प्लस इसके सामने था अपोजिट, इसके अंदर रख दिया, और ट्रायंगल को इसके अंदर रख दिया, प्लस को स्क्वायर के अंदर रख के पहले नंबर पे रख दिया, ट्रायंगल को सर्कल के अंदर रख के दूसरे नंबर पे रख दिया। अब हम भी सेम यही कुलिया अपनाएंगे, हम फर्स्टली तो इस प्लस को रखेंगे ट्रायंगल के अंदर, सो पहली जो हमारे पास शेप आई वो आई ट्रायंगल के अंदर प्लस, दूसरी शेप क्या आएगी, स्क्वायर के अंदर ये जो शेडेड एरिया, ये फुल ब्लैक नहीं है, ये शेडेड है, आपको नजर आ रहा होगा, सो अब रख दिया हमने स्क्वायर के अंदर उस शेडेड सर्कल, तो जवाब क्या होना चाहिए, चार्ली तो बिल्कुल नहीं होगा, अल्फा में ब्लैक है ये भी नहीं होगा, बीटा और डेल्टा, ये आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई है इधर, ये आप देख लीजिएगा, बीटा या डेल्टा मुझे देखने में सेम लग रहे हैं, ये स्कैन करते हुए कोई प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि इधर ये होना चाहिए था कि इधर इसका जो सेंटर था ना, ये जो सेंटर है इधर, ये सर्कल का प्लस का सेंटर वाइट था इधर, ये तो इधर भी दोनों में से किसी एक ऑप्शन के ना प्लस के दरमियान इधर वाइट निशान होना चाहिए, जैसे ये मैंने रेड लगाया, सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा, ठीक है, ये ऐसे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स वालों के लिए। आपने पहले ये देखा कि जो एरोज हैं, देखो सब हेड टू टेल चल रहे हैं, मतलब हेड टू हेड कोई नहीं है, एरो का हेड एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा। आप ये देखो कि
पहले पहले वाला देखो, पहले वाला ये जो है ये लेफ्ट की जानिब जा रहा, उन्होंने इधर मोड़ दिया राइट की जानिब, यानी डायरेक्शन चेंज कर दी। दूसरे की भी डायरेक्शन उन्होंने चेंज कर दी, चेक करो, राइट की जानिब जा रहा था तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको लेफ्ट की जानिब जाने वाला बना दिया। फिर ये जो तीसरे नंबर पे है ये लेफ्ट की जानिब जा रहा था, अंदर देखो राइट की तरफ जानिब जाना स्टार्ट हो गया। मीन्स उन्होंने क्या किया, हर एरो की डायरेक्शन चेंज कर दी। अगर एरो क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे ये स्क्वायर में, तो उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज इनकी रोटेशन कर दी। अब आप पूछेंगे सर क्लॉकवाइज क्या है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या है। बेटे बेसिकली जो क्लॉकवाइज रोटेशन है, जिस समत को घड़ी घूमती है उस समत को कहते हैं क्लॉकवाइज, और जिस समत में घड़ी नहीं घूमती उस समत को कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब पहले जो सारे के सारे ये हैं एरोज हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे थे, उन्होंने इनको बना दिया क्लॉकवाइज। हम भी अब यही काम करेंगे इसके साथ। फर्स्टली हम देखेंगे कि ये वाला एरो राइट जा रहा है, सॉरी लेफ्ट जा रहा है, पहले वाला ये वाला जिसके ऊपर मैंने रेड डॉट लगाया है, इसको हम राइट की तरफ भेजेंगे। अब देखो ये राइट जा रहा है, राइट जा रहा है, राइट जा रहा है, राइट जा रहा है, चारों ऑप्शंस में राइट जा रहा है। अब आ जाओ दूसरे पे, ये राइट जा रहा है, अब हम इसे लेफ्ट भेजेंगे, लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है, ये गलत हो गया, और ये भी लेफ्ट जा रहा है। अब आ जाओ तीसरे पे, तीसरा ये जो है ये वाला एरो जो है ये लेफ्ट जा रहा है, हम इसको अब भेजेंगे राइट की जाने, ये वाला राइट है, ये लेफ्ट है जा रहा, ये भी गलत हो गया। ये किधर को जा रहा है, ये भी ठीक जा रहा है ना, जैसे हमें चाहिए। अब हमें प्रॉब्लम ये हुई कि दो ऑप्शन हमें एक जैसे नजर आ रहे हैं, ये अल्फा और डेल्टा चार्ली दोनों में रोटेशन ठीक हो गई, लेकिन एक चीज गौर करो, अल्फा ऑप्शन में देखो एरो एरो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, बाकी किसी शेप में एरो एरो नहीं मिल रहा, दैट इज वाई अल्फा भी गलत हो गया, सिर्फ चार्ली हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, हमेशा एरो टेल के साथ जुड़ा हुआ है पूरी की पूरी शेप्स में, बट इन दिस क्वेश्चन क्या हो गया, एरो एरो की तरफ जा रहा था, दैट इज वाई इसको भी हमने साइड पे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, उन्होंने क्या किया कि एक स्क्वायर के अंदर एक स्क्वायर था और ऊपर प्लस के चारों साइडों पे ट्रायंगल मौजूद थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस शेप को नीचे लाए, स्क्वायर के अंदर रखा और हर ट्रायंगल को स्क्वायर के साथ चेंज करके इधर रख दिया, यानी कि ये जो ट्रायंगल्स बीच में थी इनको चेंज कर दिया, किसमें, ये जो बीच वाली शेप थी इसके इसके साथ रिप्लेस कर दिया, ट्रायंगल को स्क्वायर बना दिया। अब आ जाओ इधर, हम भी वही चीज करेंगे, इधर है अब सर्कल के अंदर छोटा सा एक सर्कल, तो ये जो स्क्वायर हैं ये किस चीज में चेंज हो जाएंगे, इधर स्क्वायर चेंज ट्रायंगल चेंज हुआ था स्क्वायर में, अब इधर सर्कल में चेंज हो जाएंगे ये वाले स्क्वायर। मींस हमारे पास जो शेप आनी चाहिए वो होगी एक सर्कल, सर्कल के अंदर एक क्रॉस लगाएंगे, ये स्क्वायर सारे के सारे जो चारों हैं ये सर्कल में चेंज हो जाएंगे, और ऐसे 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 ये जवाब होना चाहिए, और ये आई थिंक ऑप्शन अल्फा में मौजूद है, चेक कर सकते हैं आप। सो आपने बेटे ट्रिक्स सीखनी है, अगर आप ट्रिक्स सीखेंगे देन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा सिंपल, थोड़ा सा नटखट सा है, इसको भी हम देख लेते हैं, पहले जरा एडजस्ट कर लें। ओके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मींस के जिन्होंने ये क्वेश्चन दिया, उन्होंने पहले ये चार स्क्वायर्स में चेंज जो है ना, एक स्क्वायर था उसके अंदर प्लस का निशान लगाया, उसको चार हिस्सों में तकसीम कर दिया, फिर उन्होंने हर एक हिस्से को अलग अलग कर दिया, और अलग अलग करके मैं आपको साथ में ड्रा करके दिखाता हूं। उन्होंने क्या किया, चारों हिस्सों को ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 करके चारों हिस्से बन गए, फिर इनको एक प्लस शेप के साथ ऐसे करके ऐसे दीवार लगा दी चारों बानियों के बीच में। अब यहां पे एक सर्कल है, सर्कल को भी चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है, हम भी अब वही काम करेंगे जो इधर हुआ था। सबसे पहले तो हम ये चारों कोन्स ड्रा करते हैं लाइक दिस, एक दो तीन चार, ये चारों कोन्स पहले ड्रा हो गई।
अब हम इनके दरमियान बनाएंगे प्लस लाइक दिस। अब देखो जवाब क्या होना चाहिए, डेल्टा में ये ब्लैक कर दिया, बीटा में ये ब्लैक कर दिया, ये तो हो गया गलत। डेल्टा में देखो बीच वाला जो सारा हिस्सा ये ब्लैक कर दिया, ये भी हो गया गलत। अल्फा और चार्ली हमारे पास रह गया। हमने अब एक चीज एक नुक्ता देखना है, ये बीच में देखो ये बीच वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया, ये वाला, ये व्हाइट कलर का है ना, जहां पे प्लस एक दूसरे को टच कर रहा है, व्हाइट है ना, हमें भी अब व्हाइट चाहिए। चार्ली में अगर आप बीच वाला हिस्सा चेक करोगे तो देखो क्या है, ब्लैक। अल्फा में क्या है, व्हाइट। हमें क्या चाहिए था, व्हाइट। राइट ऑप्शन क्या हुआ, अल्फा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। एनालॉजी का ये भी क्वेश्चन है। उन्होंने क्या किया, दो स्क्वायर थे बनाए हुए, एक ट्रायंगल थी, ये एक शेप है। अब उन्होंने इसको इसमें चेंज कर दिया, उन्होंने क्या किया, इधर भी एक एक लाइन लगा दी, ये चार बन गए। ट्रायंगल जो एक थी इनको उन्होंने डबल कर दिया, बस ये काम किया। अब हम भी यही काम करेंगे। सबसे पहले इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, मैं ड्रा करता हूं साथ में, लाइक दिस। इसकी हो गई डायरेक्शन चेंज, ये स्क्वायर थे आप देखो कितने, चार, तो चार के दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आठ। अब इधर लगाओ आठ, एक दो तीन चार पांच छह, फर्ज करो ये आठ डिब्बे बन गए। अब आठ डिब्बे गिनो किसमें है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, इसमें भी आठ, दो चार छह आठ, बाकी सब में आठ आठ है, चार्ली में आठ नहीं है, तो चार्ली गलत हो गया। अब देखो उन्होंने क्या किया था, ट्रायंगल की ये जो लाइन थी इसको डबल कर दिया था, हम भी अब ये जो डब्ल्यू टाइप बना हुआ है इसको डबल कर देंगे और डायरेक्शन चेंज हो जाएगी लाइक दिस, ये है ना, ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में बहुत रिपीट हो चुका है। देखें, एक स्क्वायर है, देन एक सर्कल है, देन एक ट्रायंगल है। उन्होंने क्या किया, इसकी कंपोजिशन चेंज कर दी, इसकी अरेंजमेंट चेंज कर दी। उन्होंने सिंपल ट्रायंगल को बीच में से निकाला, ट्रायंगल को बाहर ले गए और सर्कल को अंदर ले गए, यानी कि जो अंदर ही अंदर वाली शेप थी उसको बाहर ही बाहर ले गए और जो बाहर वाली शेप थी उसको अंदर ले गए। बस ये काम किया, ट्रायंगल को रिप्लेस कर दिया विद स्क्वायर। अब हम भी इसको, ये जो अंदर शेप है स्क्वायर, इसको रिप्लेस करेंगे विद सर्कल। सो क्या होगा, पहले आएगा एक स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर आएगी ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर आएगा सर्कल। ये जिधर भी ऑप्शन मिले आपने लगा देना, जो कि डेल्टा में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एरोज के मुतालिक है, एरोज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको ये बात पहले भी बता चुका हूं। अब देखो उन्होंने क्या किया, आप इसमें से ना एक एरो को बेस एरो, मैं हमेशा ये जब भी एनालॉजी करनी होती है ना रोटेशन, तो दो चीजें याद रखने के लिए अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं। एक चीज के जब भी रोटेशन आए ना, तो अपने जेहन में एक वॉच रखो, घड़ी रखो। कौन सी घड़ी, ये देखिए मैं ड्रा कर रहा हूं, घड़ी रखो याद, यहां पे 12 बजते हैं, यहां पे 6, यहां पे 3 और यहां पे 9। ये घड़ी आपके जहन में रहनी चाहिए, घड़ी आपके जहन में रहनी चाहिए। अब देखो क्या हुआ, फर्ज करो जी इस शेप को उन्होंने घुमाया एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री और बन गई ये शेप। चेक कर लो, पूरी की पूरी शेप को उन्होंने रोटेट कर दिया एट 90 डिग्री। मतलब अगर आप इस एरो को समझो कि ये 3 पे था, तो अब ये एरो किधर है, 12 पे चला गया। अब ये एरो किधर है, 9 पे, तो आना अब किधर चाहिए, 6 पे। समझ रही हो, 3 पे था, रोटेट किया, 12 पे चला गया। अब 9 पे एरो ये खड़ा है, इसको हम रोटेट करेंगे, 6 पे आना चाहिए, तो इसकी जो पोजीशन है वो किधर को जानी चाहिए, 6 नीचे को बचते हैं, 6 नीचे को होते हैं। सो नीचे अब एरो किधर है, डेल्टा में भी है, बीटा में भी है, बाकी ना अल्फा में है ना चार्ली में है। सर जी अल्फा और बीटा और डेल्टा में से आप कैसे तौयन करें कि राइट ऑप्शन कौन सा है। अब आप देखोगे कि जब ये नीचे आया, जब ये ऐसे रोटेट हुआ, ऐसे ही रोटेट होके नीचे आएगा ना, जिधर से मैंने अभी ये एरो बनाया, ऐसे करके ऐसे,
जब ये नीचे को आएगा तो ये भी तो साथ ही घूमेगा ना, तो वो भी इधर आ जाएगा। मतलब ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये किधर आना चाहिए, इस जगह पे। तो बड़ा वाला पोर्शन डेल्टा में देखो उस जगह पे मौजूद है। सो जब आप रोटेट करते हो तो पूरी की पूरी शेप रोटेट होती है। और नॉन वर्बल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आएंगे, ऐसे पढ़ने से नहीं आएंगे। मीन्स पहले आप ट्रिक्स सीख रहे हो, ट्रिक्स जब आप सीख चुके होंगे फिर आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बेशक यहां पे स्क्रीनशॉट ले लो, इसी की प्रैक्टिस कर लेना। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सिंपल। ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल था, सर्कल बीच में आ गया। अब ट्रायंगल के ऊपर एक सर्कल है, ये भी बीच में आ जाएगा, राइट ऑप्शन चार ली। ये तो सिंपल था। अक्कय जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है। उन्होंने क्या किया, सिंपल, ब्लैक को व्हाइट में चेंज कर दिया, व्हाइट को ब्लैक में चेंज कर दिया। देखो ट्रायंगल वैसी की वैसी ही रही है, व्हाइट इधर था सर्कल तो उन्होंने इधर वाला ब्लैक कर दिया, इधर ब्लैक था तो इधर वाला क्या उन्होंने कर दिया, व्हाइट कर दिया। अब इधर एक स्क्वायर व्हाइट कलर का है तो ये ब्लैक है, दोनों को देखो उन्होंने भी इधर भी चेंज कर दिया। हम भी सेम यही चीज करेंगे, जो ऊपर चीज है उसको नीचे ले आएंगे, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाएंगे, जो बेस शेप है बीच में ट्रायंगल उसको वैसे का वैसा रहने देंगे। अब देखो ट्रायंगल वैसी की वैसी पहले है किधर, सिर्फ बीटा में ही है, तो चुप करके बीटा ही जवाब लगा दो, राइट ऑप्शन है ही बीटा। बेस जो ट्रायंगल है वो तो सेम है। अगर चलो फर्ज करो जी ये भी वैसी ही ट्रायंगल होती, फिर क्या होना था, ये प्लस वाला जो सर्कल है ये ऊपर चला गया, व्हाइट वाला नीचे आ जाएगा। देखो हो गया, ब्लैक स्क्वायर नीचे आ जाना था, व्हाइट ऊपर चला जाना था, सेम। सो ट्रिक्स का आपको पता होना चाहिए। आई थिंक आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ट्रायंगल के अंदर दो स्क्वायर मौजूद है, तो उन्होंने ट्रायंगल ऊपर से खत्म कर दिया और दो स्क्वायर बाहर ला के रख दिए। अब एक स्क्वायर है एक ट्रायंगल है बीच में, ऊपर से स्क्वायर खत्म कर दो, बीच वाली ट्रायंगल आपका जवाब है। सो बेटे ये था हमारा नॉन वर्बल का आज का लेक्चर। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई बुक है नहीं आपको समझ आ रही नॉन वर्बल, आप वो चाहते हैं कि एमसीक्यूज जो है वो सर से करवाए जाएं, तो आप भेज सकते हैं, मैं उनको कर दूंगा। बाकी अगर आप हमारा सेशन बेटे ज्वाइन करना चाहते हैं देन 03066892208 हमारा नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। हमारी क्लासेस से बेस्ट इंशाल्लाह आपको कहीं नहीं मिलेगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और AFNS की अभी चल रही हैं क्लासेस, एज वेल GDB CAE की क्लासेस आने वाली हैं, उनको आप ज्वाइन करें और अच्छी प्रिपरेशन करके पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स को सर्व करें। अस्सलाम वालेकुम।